फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही एबीसी आईडी कैसे जनरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। दोस्तों, एबीसी आईडी का पूरा नाम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है। दोस्तों, जब आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपसे एबीसी आईडी मांगा जाता है। एबीसी आईडी डालने के बाद ही आपका फॉर्म भरना सक्सेसफुल होता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब आप कॉलेज का एग्जाम फॉर्म भरेंगे या नामांकन फॉर्म भरेंगे तब भी आपको एबीसी आईडी वहां पर डालना पड़ता है। सो आज के वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही एबीसी आईडी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डिजीलॉकर के एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ओपन करेंगे। इसके बाद प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर सर्च एप्स पर जाकर आपको डिजीलॉकर लिख के सर्च कर देना होगा। जैसे आप डिजीलॉकर लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने डिजीलॉकर का एप्स है इस प्रकार से आ जाता है। आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यह इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप डिजीलॉकर को ओपन करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे आप यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको स्किप करना होगा। जैसे स्किप करेंगे, आपका डिजीलॉकर इस प्रकार से ओपन हो जाता है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है तो गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर साइन इन और क्रिएट अकाउंट का यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास डिजीलॉकर का पहले से ही अकाउंट बना रखे हैं तो आपको साइन इन के बटन पर क्लिक करना है और आईडी पासवर्ड डालकर आपको अपना जो है एबीसी आईडी बना लेना है। अगर दोस्तों आप पहली बार डिजीलॉकर में अपना अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से जो है डिटेल्स डालने का जो पेज है वह आ जाता है। सबसे पहले फुल नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। सो दोस्तों, आप अपने आधार कार्ड में जो भी नाम है उसी के अनुसार यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम दे देना होगा, यानी इस प्रकार से टाइप कर देना होगा। इसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ के डेट सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे और ईयर को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। नीचे दोस्तों, आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी दे देना होगा। इसके बाद देख सकते हैं सेट 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ आ रहा है। सो यहाँ से आप 6 डिजिट का कोई भी अंक डाल सकते हैं जो आपको याद हो, क्योंकि दोस्तों जब भी आप डिजीलॉकर पर लॉगिन करेंगे आपको यही सिक्योरिटी पिन है उसको डालना पड़ता है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। एंटर ओटीपी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से आपको अपना ओटीपी डाल देना है और नीचे सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वेरीफाई आधार का एक नया पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें डिजीलॉकर पे अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कराना है। इसके लिए यहाँ पर एंटर आधार नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड के नंबर को डाल देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहां पर एंटर कर देना है और सबमिट पर आपको दोबारा क्लिक कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों, आपको दोबारा यहां पर जो है साइन इन करने के लिए कहा जाता है, तो यहां से आपका जो है आईडी बन गया है, आपको यहां पर साइन इन करना होगा। दोस्तों, साइन इन करने के लिए यहां पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपने जो भी अभी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको डाल देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, रजिस्टर करते समय जो हमने सिक्योरिटी पिन जो है डाला था उसी सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर हमें डाल देना है और साइन इन के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं हो पाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन है, आधार कार्ड के नंबर को डालकर यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन होगा आपका प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, हमें अपना एबीसी आईडी बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर सर्च डॉक्यूमेंट पे जाकर आपको एबीसी लिख के सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एबीसी आईडी कार्ड लिखा हुआ यहाँ पर एक नोटिस आ जाता है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। एबीसी आईडी कार्ड पर यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 2023 में अगर जो है एबीसी आईडी जनरेट कर रहे हैं तो 2023 आपको सिलेक्ट कर लेना होगा।
इसके बाद दोस्तों नीचे आइडेंटिटी टाइप लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन और नॉन, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों पहले एबीसी आईडी में ये सारे ऑप्शंस नहीं आते थे, अभी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आ रहे हैं। सो अगर आपके पास रोल नंबर होगा तो रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर होगा तो इनरोलमेंट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नया एडमिशन ले रहे हैं तो आपको न्यू एडमिशन पर क्लिक कर देना होगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई भी आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप नॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों नीचे आइडेंटिटी वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। सो जो भी आप ऊपर सिलेक्ट किए हैं उसका जो आपको नंबर एक मिला होगा, यानी अगर आपका इनरोलमेंट आईडी है, रोल नंबर है, या जो भी आप ऊपर सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे आप न्यू एडमिशन सिलेक्ट किए हैं तो दोस्तों जब आप एडमिशन फॉर्म भरे होंगे उस समय आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, तो उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको सबमिट करना है। दोस्तों अगर कोई आपके पास कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, बाकी जो है आप अपडेट भी कर सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद फिर नीचे सेलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो सभी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है खोजेंगे तो काफ़ी यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो यहाँ पर सर्च के बटन पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, उसका नाम यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करेंगे, आपका यूनिवर्सिटी का नाम इस प्रकार से आ जाता है। सो आपको यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। सो दोस्तों यहाँ से आपको अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन पर यहाँ पर जो है चेकमार्क रहेगा, जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका एबीसी आईडी इस प्रकार से फेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा और ऊपर रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से जो है रिफ्रेश होकर पेज आ जाता है, नीचे देख सकते हैं एबीसी आईडी कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका एबीसी आईडी है इस प्रकार से जनरेट हो गया है, एबीसी आईडी बन गई है। एबीसी आईडी साथ ही जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है यही आपकी एबीसी आईडी है, नीचे आपका नाम जो है देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसान तरीके से अपना एबीसी आईडी बना सकते हैं और कॉलेज में आप जमा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे कॉलेज में एबीसी आईडी मांगी जाती है, या आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं या इनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं तो एबीसी आईडी मांगी जाती है, तो इसी एबीसी आईडी को आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा। सो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे ही आसान तरीके से एबीसी आईडी जनरेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।